करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपी के लिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी हेल्प से से आप अपने मोटो को और भी बेहतर तरीके यूज कर पाएंगे तो जो पैसे आपने उस पर खर्च किए हैं आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे सो so, तो सबसे पहले ट्रिक है स्क्रीनशॉट्स को लेकर बहुत बार हमें स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ते हैं तो सिर्फ आपको ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन फिंगर्स को प्लेस करना है अपने स्क्रीन पर और आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा एंड नीचे से आप उसे शेयर भी कर सकते हैं एडिट भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक लॉन्ग स्क्रीन लेना चाहते हैं तो जैसे ही आप तीन फिंगर्स प्लेस करेंगे स्क्रीन पर तो नीचे की तरफ आपको एक एरो जैसा ऑप्शन दिखाई देगा लेफ्ट साइड पर एंड जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे अपने आप ही फोन में स्क्रॉलिंग होनी शुरू हो जाएगी एंड जहां पर भी आप चाहें उसे स्टॉप कर सकते हैं वहां तक का स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा अब अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन कैप्चर कर लिया है तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं नेक्स्ट फीचर है मल्टीटास्किंग को लेकर यानी कि अगर आप दो एप्स एक बारी में ओपन रखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए जाना होगा सेटिंग्स पर उसके बाद जाना है डिस्प्ले पर देन प्रेस करना है स्वाइप टू स्प्लिट इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद अब आप अगर कोई भी ऐप खोलेंगे और उसके बाद इस तरीके से स्वाइप करेंगे तो वो ऐप ऊपर स्प्लिट स्क्रीन में आ जाएगी और अब आप अपने रिसेंटली ओपन ऐप में से कोई भी दूसरी ऐप इसके नीचे खोल सकते हैं इसको इस तरीके से बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं और वापस अगर आपको पूरे स्क्रीन पर एक ही ऐप चाहिए तो इस तरीके से स्वाइप करने पर वही ऐप पूरे स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे कि आप ओपन करना चाहते हैं मोटो जी सेवेंटी थ्री की एक खास बात यह कि यहाँ पर मोटरोला ने एक स्पेशल एप मोटो सेक्योर करके डाला है फोन पे जैसे कि आप इसको ओपन जब करेंगे तो ऊपर आपको सेक्योर फोल्डर दिखाई देगा इस सिक्योर फोल्डर में आप कोई भी अपनी एप फोल्डर कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर सेव कर सकते हैं उसके लिए आपको इसमें पिन डालना होगा अगर आप कोई ऐप यहाँ पर यूज करते हैं जैसे कि ट्विटर है या व्हाट्सएप है तो बिल्कुल एक नया अकाउंट जो है इसके अंदर आपका ओपन होगा यानी कि एक ही नंबर से आप दो आ, सोशल मीडिया एप्स भी यहां पर यूज कर सकते हैं जैसे कि ऐप क्लोनिंग में होता है और नीचे ही आपको देखने को मिलता है नेटवर्क प्रोटेक्शन एंड जब आप इसे ऑन कर देंगे तो यहां पर आप का फोन अगर ऑटोमेटिकली किसी अनप्रोटेक्टेड वाईफाई से कनेक्ट होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे कि आप उससे कर सकते हैं। उसके नीचे काफी काम का ऑप्शन है पिन पैड स्क्रैम्बल यानी कि आप जब भी अगर आपने पिन कोड यूज किया हुआ है तो हर बार जो है पिन उसका स्क्रैम्बल हो जाएगा जिससे कि कोई दूर खड़ा हुआ पर्सन आपने क्या नंबर टाइप किया इसे गैस नहीं कर पाएगा नेक्स्ट चिप है प्राइवेसी डैशबोर्ड को लेकर और जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये काफी ज्यादा काम आता है इसमें आपका कैमरा या आपका माइक वगैरह है या आपका कैलेंडर है कौन कौन सी दूसरी एप्स ने उन्हें यूज किया है ये सारी इंफॉर्मेशन आती है और आप यहाँ से जिस भी ऐप को जिस भी चीज का एक्सेस देना चाहते हैं यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं एंड साथ ही में डॉल्बी एक्मस का सपोर्ट देखने को मिलता है यानी कि फोन की जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड अगर आपने डॉल्बी एटमस का यूज नहीं किया तो यहां पर ऐप दिया गया है डॉल्बी एटमस के नाम से आप उसे ओपन करके उसको ऑन कर सकते हैं और नीचे सेटिंग्स में जाकर आप या तो इसे स्मार्ट ऑडियो पर रहने दे सकते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है साउंड की लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो जिस टाइप का कंटेंट आप प्ले कर रहे हैं अपने फ़ोन पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सेटिंग्स कर सकते हैं जिससे कि आपको बेस्ट पॉसिबल साउंड जो है प्रोवाइड हो जाए बट एक आम यूजर के लिए स्मार्ट ऑडियो ठीक है क्योंकि उसमें अगर आपने फिल्म प्ले की है या वीडियो सॉन्ग प्ले किया है या और कोई चीज़ प्ले की है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप चेंज करता रहता है साउंड क्वालिटी को तो इससे जो है साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है नेक्स्ट है वन हैंडेड मोड काफी बार होता है कि हम एक ही हाथ से अपने फोन को ऑपरेट करना चाहते हैं क्योंकि या तो कुछ कर रहे होते हैं या तो हमारा दूसरा हाथ बिजी होता है तो ऐसे केस में सेटिंग्स में जाकर आपको जाना है जेस्टर्स पर और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ वन हैंडेड मोड नजर आएगा वन हैंडेड मोड को जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपके पास ये एक आइकॉन आ जाएगा राइट हैंड साइड पर अब जब भी आप इसे क्लिक करोगे तो आपका पूरे फोन का जो कंटेंट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और अब आप से से इसको इजीली वन हैंड ऑपरेट कर सकते हो और वापस अगर जाना है तो इसी सेम बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो फोन वापस पहले जैसा हो जाएगा तो कैमरा को क्विकली ऑन करने के लिए पावर बटन को अगर हम दो बार प्रेस करें तो आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाए ऐसी सेटिंग आप इस फोन में कर सकते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स पर उसके बाद जाना है आपको जेस्टर्स पर और और यहाँ पर जाने के बाद आपको आ, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डबल प्रेस पावर जब आप डबल प्रेस पावर की को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये जो ऑप्शन आएंगे यहाँ पर नन और लॉन्च कैमरा होगा तो आप लॉन्च कैमरा पर क्लिक कर दें अब जैसे ही आप अपने फ़ोन के पावर बटन को दो बार क्विकली प्रेस करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा अगर आप अपने फोन के पीछे टैप करने से चाहते हैं कि कुछ ओपन हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है सेटिंग्स पर एंड देन जाना है जेस्टर्स पर जेस्टर्स पर जाने के बाद आपको जाना है क्विक लॉन्च पर क्विक लॉन्च को ऑन करने के बाद आप नीचे सेटिंग्स पर जब आएंगे तो यहां पर काफी सारी ऑप्शन है और इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो रिकॉर्डर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि आप पीछे फ़ोन के पीछे डबल टैप करें तो ऑडियो रिकॉर्डर खुल जाए तो वो सेटिंग भी कर सकते हैं प्ले एंड पॉज म्यूजिक को भी कर सकते हैं मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऐप कोई ओपन हो जाए पीछे जब आप दो बार टैप करें तो आप ओपन ऐप जो है इसके अंदर से क्लिक कर सकते हैं और उसी और उसी एंड के साथ जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जब आप उसे ऑन करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी ऐप सिलेक्ट कर सकते हो जैसे कि मैंने एफ एम रेडियो इसमें सिलेक्ट किया हुआ है तो जैसे ही मैं इसके पीछे दो बार टैप करती हूँ फोन के तो एफ एम रेडियो ओपन हो जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप एक और स्मार्ट जेस्टर चाहते हैं अपने कैमरा को ऑन करने के लिए तो काफी अच्छा लगता है ये देखने में तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको जाना है जेस्टर्स पर देन आपको जाना है क्विक कैप्चर पर अब जैसे ही आप इस क्विक कैप्चर को ऑन करोगे तो जैसे ही फोन को मैं इस तरीके से ट्विस्ट करती हूँ तो कैमरा ओपन हो जाता है काफी यूजफुल एंड काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में तो ये जेस्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया वैसे आपको ये जेस्टर कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा उसकी बात है फास्ट टॉर्च का कई बार होता है कि किसी ऐसी जगह पे गए हो बहुत अंधेरा है या तो एकदम टॉर्च को कैसे ऑन करना है तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको जाना है जेस्टर्स पर जेस्टर्स पर जाने के बाद आपको जाना है फास्ट टॉर्च पर फास्ट टॉर्च को जैसे ही आप ऑन करोगे तो अब अगर एकदम आप किसी डार्क रूम में जाते हैं या फिर लाइट चली जाती है तो आपको जस्ट अपना फोन इस तरीके से शेक करना है और आपकी जो टॉर्च है वो ऑन हो जाएगी और अगेन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो टॉर्च ऑफ हो जाएगी अच्छा जा काफी बार ये होता है कि जो हमारा स्क्रीन टाइम आउट तो आप जानते होंगे कि कितनी देर तक स्क्रीन जो है ऑन रहती है जब आप उस पर एक्टिव होते हैं अगर हम उसका ज़्यादा टाइम सिलेक्ट करते हैं हम टू मिनट्स थ्री मिनट्स फाइव मिनट्स करते हैं तो बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है और कई बार हमें ऑन रखने की भी जरूरत होती है उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन फोन में दिया होता है पर हम उसको यूज ही नहीं करते हैं एंड उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले पर डिस्प्ले पर जाने के बाद आप स्क्रीन टाइम आउट जो है यहाँ से मिनिमम सिलेक्ट करिए जो आपको चाहिए उसमें मिनिमम सिलेक्ट करना नीचे यहां आपको अटेंटिव डिस्प्ले देखने को मिलेगा अटेंटिव डिस्प्ले को जब आप ऑन करोगे टाइम आउट का किया हुआ है जैसे अगर आपने 30 सेकेंड्स किया हुआ है तो 30 सेकेंड बाद भी अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो तो स्क्रीन ऑफ नहीं होगी ये बहुत ज्यादा काम का ऑप्शन है लेकिन आधे से ज्यादा लोग इस फंक्शन को जानते ही नहीं है और उसके कारण या तो बैटरी ज्यादा ड्रेन आउट होती है या फिर परेशान होते रहते हैं इस फोन में आपको 120 ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है लेकिन बाय डिफॉल्ट वो ऑटो पे सेट होता है तो अगर आपको कोई ऐसा आप वर्क कर रहे हो इस पर जिसपे आपको फास्ट रिफ्रेश रेट चाहिए आपको उसे सेट करने के लिए जाना होगा सेटिंग्स पर सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले पर और और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले रिफ्रेश रेट डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में आप यहाँ से इसको ऑटो पे से हटाकर 120 ट्वेंटी पर सेट कर सकते हो और अब देखो कि कितना फास्ट इसका जो है स्क्रॉलिंग कितना स्मूथ हो गया है हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इससे बैटरी थोड़ी ज्यादा ड्रेन होगी नेक्स्ट ऑप्शन है पीक डिस्प्ले को लेकर यानी कि अगर आपकी लॉक स्क्रीन पर आप कौन जिसके नोटिफिकेशन भी आपको लॉक स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर जाना है डिस्प्ले पर डिस्प्ले पर जाने के बाद आपको जाना है पीक डिस्प्ले पर तो नीचे आपको सेटिंग्स दिखने को मिलेंगी अब इन सेटिंग्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हो तो इस तरीके से आप अपने लॉक स्क्रीन को भी एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और इसमें जो काम की चीज है वो ये कि नीचे आपको ब्लॉक एप्स का भी यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ एप्स का नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पर देखने को ना मिले उन एप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके नोटिफिकेशंस आपको लॉक स्क्रीन पर नहीं चाहिए नेक्स्ट स्टेप है मल्टी वॉल्यूम को लेकर यानी कि इस फोन के अंदर आप डिफरेंट एप्स का वॉल्यूम जो है डिफरेंट सेट कर सकते हो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स uh, पर सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन पर एन आपको मल्टी वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा और जब आप इसे ऑन कर दोगे तो अब आप डिफरेंट एप्स के वॉल्यूम को जो है डिफरेंट लेवल्स पर सेट कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप है कंट्रोल पैनल को लेकर यानी कि जब आप ऊपर नी, से नीचे की तरफ स्वाइप करते हो अपने फोन पर तो आपको बहुत सारे ऊपर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलती है लेकिन कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो आपको नजर नहीं आएंगी तो आप कैसे उसमें ऐड करोगे कि नीचे जो पेन का ऑप्शन है जब आप इसपे क्लिक करोगे तो आपको नीचे की तरफ भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे और आप आप किसी को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कंट्रोल पैनल में ऐड कर सकते हो और वहां से उसे यूज कर सकते हो नेक्स्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग आ, इस फोन के अंदर जब भी हम एक कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो हम उसे इस तरीके से एडिट कर सकते हैं कि अगर बैकग्राउंड में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जैसे आप फोटो खींच रहे थे और पीछे एकदम कोई आ गया तो आप उसे इजीली इरेज कर सकते हो फोटो पर जो आपने क्लिक किए नीचे एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिट पर जाना है और फिर आपको जाना है टूल्स पर टूल्स पर जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको मैजिक इरेजर दिखेगा मैजिक इरेजर पर क्लिक करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को सर्कल कर दे जिसे आप फोटो में से हटाना चाहते दो चार सेकंड्स के अंदर ही वो चीज वहां से गायब हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और उसी के साथ आपको कैमोफ्लाज का ऑप्शन देखने को मिलता है कैमोफ्लाज का मीनिंग होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का कलर आप चाहते हो कि उसके बैकग्राउंड के कलर जैसा ही हो जाए तो वो आप चीज यहां से कर सकते हो जैसे जैसे मुझे यहां पर इस लाइट को भी ग्रे कलर का करना है तो जैसे ही मैं इस पर रब करूंगी तो ये भी अपने बैकग्राउंड के कलर जैसी हो जाएगी अगर आप गेम प्ले करते हैं अपने फ़ोन पर वैसे इसके अंदर जो प्रोसेसर है मीडिया टेक्ट डायमेंसिटी नाइन थर्टी दिया गया है एंड काफ़ी अच्छी गेमिंग आप उस पर कर सकते हैं एंड हीटिंग का भी कोई इशू आपको इसके अंदर सेग्निफिकट देखने को नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको जाना है गेम्स वाले ऑप्शन पर तो यहाँ पर आप कोई भी गेम अपनी डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ पर दी गई सेटिंग्स से काफ़ी सारी सेटिंग्स से इसमें कर सकते हो जैसे कि साइड बार एक्सेस है यानी कि नोटिफिकेशंस को आप ब्लॉक कर सकते हो अगर आप गेमिंग कर रहे हो कॉल्स को ब्लॉक करने का ऑप्शन देखने को मिलता है जेस्टर्स को ब्लॉक करने का ऑप्शन देखने को मिलता है तो काफी सारे ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है तो आप अपनी गेम के अकॉर्डिंग यहाँ से काफी सारी सेटिंग्स कर सकते हो और अपनी गेमिंग को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टिप अबाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो इस फोन के स्क्रीन को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली उसके लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा काम आता है अगर हमें किसी को कोई ट्यूटोरियल देना है या मतलब किसी को कोई भी चीज़ चलाना सिखाना है फ़ोन पे तो आप इजीली यहाँ से चलाकर दिखा सकते हो आपके सारे एक्शंस रिकॉर्ड हो जाएंगे सारी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी और वो रिकॉर्डिंग आप उसे सेंड कर सकते हो तो ये थे वो ट्वेंटी टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज करके आप अपने फ़ोन के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हैं अपने फोन को और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं ये वैसे आपको कौन सी टिप एंड ट्रिक सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी और अपनी दूसरी वीडियोस भी वॉच करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया वहां जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं तो मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड